सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों विशाल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप देश विदेश या फिर अपने इंडिया की जो है लाइव CCTV फुटेज देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप लाइव CCTV फुटेज जो है अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। आप देश विदेश या फिर इंडिया कहीं की भी जो है फुटेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 16,000 लाइव फुटेज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अगर आप भी विदेश देखना चाहते हैं, आप भी विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल पर बहुत सारी ऐसी फुटेज देख सकते हैं जिससे जो है आपको विदेश की बहुत ही अच्छी अच्छी जगह जो है देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक का देखते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर कर देना, जिससे मैं आप सभी के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूँ। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए जो है दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। ये एप्लीकेशन जो है मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा, और इसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा लाइव कैमरा, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको टोक्यो, जापान, डेल्फिन और यहाँ पर आपको बहुत सारी विदेशी जगहों के नाम दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप किसी भी एक फुटेज को देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा हमें पहली वाली टोक्यो पर, टोक्यो जापान पर क्लिक कर देते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है इसकी लाइव जो फुटेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मेरा नेट जो है थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल लाइव फुटेज है। यहाँ पर यह लाइव कैमरा जो चल रहा है, ये गाड़ी जो है आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर कुछ इंसान जो है चल रहे हैं, मतलब आपको जो है यहाँ पर लाइव CCTV फुटेज जो है मिल सकती है। इसके बाद हम अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ से हम इसका स्नैपशॉट पर क्लिक करके जो है स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको खुद देखनी है, यानी कि सर्च करना है कि कहीं की आपको फुटेज देखनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तीन डॉट पर और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। आप सर्च पर क्लिक करके जो है आप यहाँ पर अपना कोई भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया डाल लेता हूँ, मुझे जैसे कि यहाँ पर इंडिया का देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो कैमरे जो है यहाँ पर ऐड हुए होंगे, यानी कि जो पब्लिक होंगे आप उन्हीं को देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसको सर्च कर लेता हूँ इंडिया डाल के। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कितने CCTV के कैमरे जो है काम कर रहे हैं, यानी कि कितनी हम फुटेज जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी यहाँ पर आ रही हैं, जैसे कि इंडियन नॉर्थ और इंडियन पता नहीं कहाँ कहाँ की, कर्नाटक वगैरह की आ रही हैं। तो जैसे कि हम किसी भी एक फुटेज को यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो हमें बस सिंपली इस पर क्लिक करके जो है हम यहाँ से बहुत ही ईजिली जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी एक को ओपन करके देख लेता हूँ, तो मैंने किसी एक फुटेज को जो है ओपन कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने किसी एक फुटेज को जो है क्लिक करके यहाँ पर देख लिया और यहाँ पर ये लाइव चल रही है। अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना होगा। एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा लाइव कैमरा। तो जैसे ही आप यहाँ पर लाइव कैमरा लिख के सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपको मिल जाएगी। इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है दोस्तों, यहाँ पर इसको 10 मिलियन यूज़र जो है डाउनलोड कर चुके हैं। 4.0 की इसकी रेटिंग है। ये एप्लीकेशन ही आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है और उसके बाद जो है आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम का मजा अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आप लाइव CCTV कैमरे की फुटेज जो है अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।